मसूरी देहरादून मार्ग पर लोगों द्वारा सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हीकरण कर सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को एक सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी को नोटिस देकर स्वयं चिन्हित अतिक्रमण और अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए, जिसे लेकर मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे दुकानदारों द्वारा मंगलवार को अपनी दुकानों को बंद कर जिला प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी जिला प्रशासन और एमडीडीए द्वारा की गई कार्यवाही को रोकने का आग्रह किया गया था, जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि उसके बाद भी लगातार जिला प्रशासन और एमडीडीए द्वारा दुकानदारों को नोटिस भेजकर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। जो है जो गलत तरीके से बनाई गई हैं या इनक्रोच की गई हैं, उनको सभी को नोटिस दे दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि समय रहते ही अपने लेवल पे ही उसको या तो हटा लें या डिमोलिश कर लें। अदरवाइज हमारी टीम जो है, दो टीम्स बनाई गई हैं, एक कुठाल गेट से ऊपर, एक कुठाल गेट से नीचे, वो फिर कार्रवाई करें। उसको लेकर मैं बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, तो उसको लेकर भी कोई ठोस कार्रवाई, क्योंकि मसूरी में अवैध निर्माण बहुत जोरों पर है, चालान की प्रक्रिया कर दी जा रही है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, ये जैसे जिस तरह से मामले संज्ञान में आते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं और भी आगे रिग्रेस मॉनिटरिंग इस पर की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।